हो गई है एक और नई वीडियो की शुरुआत एक और शानदार जगह से। तो फिलहाल जगह है देहरादून के गरी कैंट से, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। गरी कैंट अपने आप में जाना जाता है, विख्यात है। सन्स हैं यहाँ पर, सुंदर सुंदर जो सड़कें हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो दिखाते रहेंगे गरी कैंट के कुछ और लोकेशन के साथ नज़ारे किस हिसाब से हो रखे हैं गरी कैंट में। तो ये सामने जो दिख रहा है गरी कैंट से नीचे का कुछ इस प्रकार का लोकेशन है। काफ़ी खूबसूरत और छोटे बड़े मकान भी है यहाँ पे। छोटा सा एक नाला है तो इसके किनारे किनारे कुछ छोटी छोटी बस्तियाँ भी हैं और कुछ इस प्रकार की लोकेशंस है यहाँ की। तो ऐसा कुछ खूबसूरत सा नज़ारा हो चुका है, सन सेट होने वाला है कुछ ही देर में। तो इस प्रकार से कुछ खूबसूरत लोकेशन है गरी कैंट की। ऐसा कुछ सीन है और मेरा जो ये फ़ोन है इसमें बैक और फ्रंट दोनों साइड से कैप्चर हो जाता है। तो ये नया फ्यूचर्स आया है ओप्पो के फ़ोन में। तो ऐसा कुछ सीन है, तो अब फ्रंट और बैक का जो झंझट है वो एक साथ ख़त्म कर दिया है ओप्पो ने। तो ये ओप्पो का फ़ोन है तो ऐसा कुछ सीन है इसका भी, अच्छा सीन है। मतलब बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों एक साथ ऑन हो सकते हैं, तो ये भी अच्छी फीचर्स है इस फ़ोन में। तो मिलते हैं किसी और लोकेशन के साथ। तो फिलहाल पहुंच चुका हूं महिंद्रा ग्राउंड में, जहां पे कि काफ़ी दिनों बाद आया। तो पूरा जो यहां पे मैदान है इसमें घास एकदम लबालब भर चुकी है, पूरी ग्रीन हरी हो चुकी है पूरी फील्ड। तभी कुछ टाइम बाद ये बारिश का मौसम ख़त्म होते ही यहां पे पूरा घास काटा जाएगा आर्मी द्वारा और फिर से यहाँ पर बंदे जो हैं लगातार प्रैक्टिस के लिए आएंगे। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर। अभी भी हैं यहाँ पर कुछ बंदे जो युवा लगातार प्रयास कर रहे हैं आर्मी भर्तियों के लिए। तो यहाँ पे कंटिन्यू सुबह शाम लोग आते हैं और तैयारियाँ करते हैं। कुछ लोग आर्मी पर्पस से, कुछ पुलिस, कुछ अन्य सेवाओं के लिए और कुछ लोग फिटनेस के लिए यहाँ पे आते रहते हैं। तो फिलहाल कुछ ऐसा सीन है, कभी मैं भी आया करता था यहाँ पे, तो इसी का ही नतीजा है कि आज भी मैं थोड़ा सा जो पैदल ट्रैकिंग है उसमें सक्षम हूँ चलने में। 15-20 किलोमीटर नॉन स्टॉप चल सकता हूँ। तो मैं भी कभी आया करता था यहाँ पे सुबह शाम, डेली 5 किलोमीटर दौड़ लगाता था इसी ग्राउंड में। तो काफ़ी कुछ पुरानी यादें हैं जो वो भी आज ताज़ा हो चुकी हैं यहाँ पे आके। और आज भी देखा मैंने कि लगातार यहाँ पे बंदे जो हैं प्रैक्टिस करते हैं। तो एक अच्छी बात है कि अभी भी बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लगातार यहाँ पे बंदे आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे लगातार। तो ये भी अच्छी बात है। तो ऐसा कुछ सीन है।
तो काफ़ी सुंदर सनसेट का यहाँ पे आनंद लिया जा रहा है और गायें यहाँ पे घास चर रही हैं, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे घास अभी पूरा मैदान भरा पड़ा है घास से, तो गायें यहाँ पे चर रही है अभी और सनसेट का एक खूबसूरत सा नज़ारा, और बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा वॉलीबॉल का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे खेल कूद इम्पोर्टेंट है शरीर के लिए और फिटनेस के लिए बहुत अच्छी है, जिससे कि हमेशा खेल कूद वाले बंदे हमेशा फिट रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ बंदे हैं जो फुटबॉल के प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, और यही बच्चे आगे जाकर के देश के लिए खेलेंगे, विदेशों में खेलेंगे। तब के लिए बाय, ख्याल रखिएगा अपना, बाय करते हैं महिंद्रा ग्राउंड को भी, मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।